हे यू गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे से एंड एकदम मजे से हो सो so गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon से कम्पलीट कुर्ता सेट अंडर सेवन फिफ्टी रुपीज विच आर रियली वेरी प्रिटी एंड ये सारे आपको जो है ना कॉटन फेब्रिक में मिल जाएंगे दीज आर सो यूनिक एंड ब्यूटिफुल इनके कलर कॉम्बिनेशन एंड यू नो शेड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं इसमें आपको कुछ डेली वेयर के हिसाब से ऑफिस वेयर के हिसाब से एंड पार्टी वेडिंग के हिसाब से भी काफी सारे पीसेस देखने को मिल जाते हैं एंड ये सब मैंने ले लिए हैं एमेजन वॉड्रोब रिफ्रेश सेल से जो कि ऑलरेडी थर्टी फर्स्ट ऑफ मे से स्टार्ट हो चुकी है फिफ्थ ऑफ जून तक रहेगी जहाँ पे आपको फिफ्टी टू एटी परसेंट ऑफ मिल जाता है और इंटायर कलेक्शन फिफ्टीन हंड्रेड प्लस ब्रांड्स रहेंगे वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं आप उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा डो नॉट मिस द सेल बहुत ज्यादा अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स मिल रहे हैं Now, न, सभी प्रोडक्ट्स के जो डायरेक्ट एमेजॉन लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे कुछ भी लेना चाहते हो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड गेस वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों को पसंद आती है यूजफुल लगती है तो लाइक और कॉमेंट कीजिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा मोटीवेट करता है ऐसे ही प्यारे प्यारे यू नो लेटेस्ट कलेक्शन जो कि इन बजट हो आपकी पॉकेट्स पर भारी ना पड़े वो शेयर करने के लिए एंड ऐसे ही आप फैशन हॉल वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का ब्यूटीफुल सब हॉल पिटारा चेक करते हैं इस लाइ स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस ब्यूटिफुल कंप्लीट कुर्ता सेट और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से आपको पिंक शेड में मिल जाएगा जो कि सिंगल कलर ऑप्शन ही अवेलेबल है और कुर्ते का जो फैब्रिक है दैट विल बी कॉटन बहुत ही सॉफ्ट और फाइन फैब्रिक है इसका एंड दिस इज अंडर सेवन थर्टी कुछ का है इन बिटवीन वेरी रीजनेबल यहाँ पे आपको ऐसा वी नेक मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड यहाँ पे आपको पैच मिल जाता है जिसमें सीक्वेंस जरी का पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है ये देखिए कुछ ऐसा ये पूरा पैचवर्क है सो so अंडरनीथ आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगा आप इसका बैक साइड भी देख सकते हो इट इज सिक्योर्ड बहुत कंफर्टेबली आप इसको वेयर कर सकते हो रेस्ट आपको इसमें ये जो पूरा प्रिंट दिख रहा है दिस इज बांधनी प्रिंट बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल एंड लाइट वेट फेब्रिक है एंड एंटायरली ये जो है आपको यही वाला पूरा प्रिंट दिखने को मिलेगा स्ट्रेट फिट का है ये कुर्ता एंड इसका फिट बहुत अच्छा आया है आप देख सकते हो नीचे तक पूरा यही वाला प्रिंट मिल जाएगा व्हाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज एवरग्रीन एंड ये बहुत प्यारा लगता है न्यूट्रल शेड है सबके ऊपर अच्छा लगेगा लाइट ओकेजन में वेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट है स्लीव को अगर हम देखें तो इसमें हमको थ्री फोर स्लीव मिलती है एंड इसकी स्लीवस में भी हमको यही वाला जो है हेवी यू नो पैच वर्क मिल जाता है सीक्वेंस एंड जरी वर्क का पूरा वर्क इसमें बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है और इस सेट को देखने के बाद कोई भी नहीं बोल सकता कि ये अंडर सेवन फिफ्टी है तो इसका ओवरऑल लुक कुछ ऐसे है इसका लेंथ जो है हाईट टाइमिंग वो काफी अच्छा है आपकी हाइट अगर फाइव एट तक भी है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड बैक साइड पे भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाता आएगा काइंड ऑफ बांधनी प्रिंट है इसमें पूरा जो कि यू नो ट्रेडिशनल भी लगता है येट ये काफी स्मार्ट लगता है इसके साथ हमको बॉटम वेयर जो है फوشिया पिंक कलर का दिया है कुछ ऐसे एंड इसका फैब्रिक जो है वो रेयन है एंड ये फुली इलास्टिकेटेड रहेगा ये देखिए दोनों साइड ये इलास्टिकेटेड है इसमें आसन भी काफी अच्छा खासा है पूरा सॉलिड फिट का है ये एंड ये जो है ना आपको ये अफगान सलवार दी हुई है इसमें दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है गाइस अफगान सलवार स्पेशली अगर हम समर सीजन को देखें तो ये स्टाइलिश भी लगती हैं येट यू नो बहुत कम्फर्टेबल होती है नीचे आपको ये पूरा जो है ऐसे इसमें प्लीटेड पैटर्न मिल जाएगा एंड ये वाला पूरा पैच दिया हुआ है इसमें इन्होंने जिसमे की सीक्वेंस एंड यू you नो know, जरी का वर्क हो रखा है इसका फिट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आया है आप देखना और ये जो है बहुत ही कॉमन सा यू नो शेड है जो कि बहुत सारी कुर्तीज में जाता है तो अगर कुछ इस शेड में आपको यू you नो know, अफगान सलवार मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा बहुत सारी कुर्तीज के साथ आप पेयरअप कर सकते हो दुपट्टा तो इसके साथ बहुत ही ग्रेसफुल हमको सेम फूशा पिंक कलर का मिल जाएगा एंड इसका जो फैब्रिक है वो है शिफोन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है इसका दुपट्टा का भी एंड इसमें हमको ये वाला जो है पूरा जरी का लेस वर्क पूरे चारों कॉर्नर्स पे मिल जाएगा ये देखो ये वाला जो है पूरा लेस डिटेलिंग गोल्डन कलर का इसके लेंथ और विर्थ्स में पूरा कंप्लीटली फोर कॉर्नर्स पे दिया हुआ है एंड इसका लेंथ और विथ्स जो है वो परफेक्ट है दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड अ ग्रेसफुल पीस आप अपने लिए भी ले सकते हो या फिर अपने लव्ड वंस को यू नो एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन भी ले सकते हो ट्राई ऑन को देखना अगर आपको पसंद है अंडर सेवन फिफ्टी रुपीज दिस इज अ एप्सलूट स्टील डील सेट इज अस्ट ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड हर ओकेजन में आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो अगेन ये भी हमको सेवन फिफ्टी रुपीज के अंडर ही मिल जाएगा और ये भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है इसका जो फैब्रिक है कुछ इस तरीके से ये आपको कॉटन फैब्रिक में मिलेगा और यहाँ पे हमको ये राउंड नेक मिल जाता है फ्रंट में आप देख सकते हो पैचवर्क में आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस एंड जरी का ये डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है एंड देन ये सारे कलर एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है ये पूरा एंड काफी हेवी योग पार्ट लग रहा है ये पूरा गाइस पैच है इसके आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे जो है क्लॉथ अटैच्ड है सो ये भी आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा सो so, इसका जो ओवरऑल फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसे है ये आप देख सकते हो कुछ इतना पैच रहेगा इसमें एंड देन इसकी स्लीव्स जो है वो थ्री फोर्थ रहेंगी स्लीव्स के एंड पे हमको ये वाला पूरा आ, पैच वर्क मिल जाता है जिसमें कि गोटा पट्टी एंड सीक्वेंस का एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क दे रखा है ये देखो कुछ ऐसे है एंड देन दिस इज अ स्ट्रेट फिट कुर्ता ये देखो कुछ ऐसे इसकी लुक आ जाएगी पूरा नीचे से जो है ये सॉलिड कलर का है एंड ये बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगता है मस्टर्ड कलर भी जो है वो काफी सटल वाला है तो ये यू नो डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के ऊपर भी बहुत अच्छा से जाएगा इवन फॉर दैट मैटर वीटिश स्किन टोन्स के ऊपर भी बहुत अच्छा लगने वाला है बैक साइड पे ये हमको पूरा प्लेन सॉलिड कलर का मिल जाएगा इसका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा और स्टडी है ना इसके साथ इन्होंने जो हमको बॉटम वेयर दिया ना वो फुली इलास्टिकेटेड रहेगा ये देखिए कुछ ऐसे इसका बॉटम वेयर है एंड इसका भी जो आसन है वो बहुत अच्छा खासा है इधर हमको वन साइड पॉकेट दे रखी है इसके राइट साइड में जिसकी डेप्थ बहुत अच्छी खासी है ना अगर आप इसके फिट की बात करो तो ये एक रेगुलर फिट का पैंट है एकदम नॉर्मल पैंट है और ये भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल बना देता है गाइस कम्स दी दुपट्टा जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और आप खुद देख सकते हो कि इसकी ना पूरा कुर्ता सेट की लुक को ये एकदम से चेंज कर देता है बहुत प्यारा है ये आपको ऑर्गेंजा फैब्रिक में मिलेगा एंड इसका फैब्रिक आई टेल यू बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यू एक वो खड़ा वाला ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है वो नहीं है इसमें आपको ये स्टोल टाइप का मिलेगा इसकी विर्थ जो है एक सेकेंड मैंने उल्टा पकड़ा है इसकी जो विर्थ है वो कुछ इतनी है जो कि स्टोल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है और लेंथ इसकी अच्छी खासी है इस बीच में देख सकते हो आपको ये पूरा डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा मल्टी कलर में विच इज लुकिंग स्टनिंग और ये दुपट्टा भी आप अपने बहुत सारी यू नो सॉलिड प्लेन कलर की जो कुर्ती या फिर कुर्ता सेट होते हैं उसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो दिस इज सच अ एंड ऑसम पीस अंडर सेवन फिफ्टी मत करना इसको भी आप जरूर ट्राई करते हैं कुर्ता सेट जो है गाइस वो कुछ इस तरीके से है और आई थिंक ये भी ना एक मस्ट है ये बहुत सारे ओकेजन में स्पेशली यू नो जो डे ओकेजन होते हैं उसमें वेयर करने के लिए बहुत ब्यूटिफुल है इसका जो फैब्रिक है वो है विस्कॉस सिल्क इज जिससे ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड सिल्क तो ये बहुत ब्रीजेबल एंड सॉफ्ट फाइन होता है इसको आप गर्मियों में भी आराम से वेयर कर सकते हो एंड दिस इज इन टू वेरी क्रीम शेड ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है गर्मियों में वेयर करने पर आपको राउंड नेक मिलेगा इसमें एंड हल्की सी स्लिट है बाकी फ्रंट में आप देख सकते हो ये पूरा आपको जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा एंड जरी वर्क है रेड एंड ऑरेंज कलर का साथ में गोल्डन जरी वर्क है एंड इसका लुक कुछ ऐसे हो जाता है बाकी बीच में आप देख सकते हो इसका जो बेल्ट पोर्शन होता है ना उसमें हमको ये हैवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क दिया हुआ है पूरा ये देखो कुछ ऐसे एंड नीचे तक ये बीच के पोर्शन में पूरा हमको ये जरी एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ ये देखो ये ऊपर से जो है कुछ इस तरीके से जाएगा देन बीच में कुछ ऐसा वर्क है एंड नीचे आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा ओवरऑल लुक इसकी कुछ ऐसी है स्लीव इसमें आपको मिलेंगी थ्री फोर्थ विस्कॉस सिल्क है तो इस पूरे ही कुर्ते पे आपको हल्की सी एक शाइन मिलेगी दो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है आप टेस्ट के लिए देख सकते हो कि पीछे लैम्प चल रहा है और अगर हम इसको इसके फ्रंट पे रखते हैं कोई भी लाइट पास नहीं कर रही है सी थ्रू नहीं कर रही है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है बैक साइड पे आपको ये पूरा सॉलिड कलर का कुछ इसी तरीके से मिल जाएगा Now, इसके साथ जो इन्हों ने बॉटम वेयर दिया है वो भी हमको विस्कॉ सिल्क फैब्रिक में ही मिलेगा एंड ये जो है फुली इलास्टिकेटेड है इसमें हमको वन साइड पॉकेट दी हुई है इन्होंने एंड इसके फिट की बात करें तो फिट इसका जो है रेगुलर फिट में मिल जाएगा इसमें भी आपको एक हल्की सी शाइन मिल जाएगी फेब्रिक में एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना इस कुर्ता के साथ इन्होंने कॉन्ट्रास्ट में जो है कुछ ऐसा दुपट्टा दिया है जो की इसकी लुक को बहुत ज्यादा प्रिटी बना देता है और गेंजा फैब्रिक का है ये दुपट्टा और इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है इसकी मैं आपको पहले विथ दिखा देती हूँ ये देखो कुछ इतनी इसकी विर्थ है जो कि शायद इसमें कैमरा पे भी कवर अप नहीं करेगा बहुत बड़ा विर्थ है इसका इसके पूरे ही विर्थ में ना आपको ये वाला पूरा एक साइड पे ये रेड वाला पैच मिल जाएगा एंड देन ये वाले जो आप देख रहे हो टैसल वर्क एंड डोरी वर्क ये जो है आपको इसके चारों कॉर्नर्स पे मिल जाएंगे एंड ये गोटापट्टी की डिटेलिंग इसके लेंथ और विर्थ में पूरी कवरअप है बीच में आपको ये पूरा ऑरेंज कलर का मिल जाएगा एंड and... ये हो जाता है इसका दूसरा सिरा जहां पे आपको ये रेड वाला पूरा वर्क पैच मिल, जा, मिल जाएगा एंड ये है इसका टेसल वर्क वाला काम जो कि चारों कॉर्नर्स पे है तो आप देख सकते हो बहुत प्रिटी है अंडर सेवन फिफ्टी रुपीज आई थिंक दिस इज ए स्टील डील इसको मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डू चेक इट नेक्स्ट सेट जो है गाइस वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी है और आप देख सकते हो कि ये बहुत ब्यूटीफुल से कुछ इस यू नो हमको प्रिंट में मिल जाएगा विच इज वेरी समरी एंड इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन ब्लेंड है बट आप इसको गर्मियों में इजीली कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो ये भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगता है इसमें नेक हमको कुछ इस तरीके का वी वाला नेक दिया हुआ है ये देखो कुछ ऐसे जो कि आजकल बहुत इन है इसमें आपको ये पैच वर्क मिल जाएगा जिसमें पूरा फ्लोरल वर्क दिया हुआ है पूरा फ्लोरल प्रिंट है विच इज फैब्रिक प्रिंट एंड इस कुर्ता सेट को आप घर पे हैंड वॉश भी कर सकते हो मशीन वॉश भी कर सकते हो क्योंकि इसमें हमको पूरा जो है यू नो फैब्रिक प्रिंट का वर्क ही दिया हुआ है तो ये मशीन में खराब नहीं होगा तो इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसे है बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है एंड स्लीव इसमें आपको मिल जाएंगी कुछ ऐसी ये वाला जो आप छोटा फ्लोरल प्रिंट देख रहे हो ये पूरे कुर्ते पे ऐसे ही रहेगा एंड ये है इसका पैचवर्क स्लीव में जैसे कि नेक पे दिया था इन्होंने स्लीव पे रखा है दिस इज अ स्ट्रेट फिट कुर्ता इसका फिट भी बहुत अच्छा आया है आप देख सकते हो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा ऊपर से ये कुछ इस तरीके से है एंड नीचे ये आपको कुछ इस प्रिंट में मिल जाएगा सारे कलर्स बहुत ज्यादा फ्रेशिंग लग रहे हैं गर्मियों में काफी प्यारे लगते हैं पहनने के बाद तो इसका लुक कुछ ऐसे है एंड बैक साइड की अगर हम बात करें तो ये बैक साइड पे भी आपको सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिलेगा नॉट एट ऑल सी थ्रू एंड ये वेयर करने के बाद बहुत ग्रेसफुल लगता है इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो भी सेम ऐसा ही है जो कि फुली इलास्टिकेटेड है एंड इसमें हमको वन साइड पॉकेट दी हुई है इन्होंने राइट साइड पे एंड इसमें हमको पूरा यही वाला प्रिंट मिल जाएगा ये देखिए जैसे कि कुर्ते का था ऊपर पूरा यही प्रिंट रहेगा एंड नीचे से हमको ये पैच वर्क दिया हुआ है जैसे कि इसकी स्लीव्स में हो रखा था सो so, ओवरऑल ये बहुत प्यारा है दुपट्टा इसमें जो है गाइस हमको दिया हुआ है इन्होंने कोटा डोरिया का जो कि यू नो शेडेड है मैं आपको दिखा देती हूं बहुत फाइन फैब्रिक है इसके दुपट्टे का भी एंड इसकी लेंथ और विर्थ जो है वो एकदम परफेक्ट आई है बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसके दुपट्टे का एंड वर्थ आप देख सकते हो पूरी है इसमें आपको ये टैसल वर्क का, का काम दिया हुआ है जैसे कि कोटा डोरिया के दुपट्टा में होता है एंड ये कलर्स इसमें है ये वाला ग्रीन शेड देन व्हाइट लाइन कलर एंड देन ये वाला सेम ऐसा ही है और ये हो जाता है इसका दूसरा सिरा जिसमें कि हमको मिल जाएंगे ये वाले टैसल वर्क अगेन दोबारा बहुत ज्यादा प्रेटी कॉम्बिनेशन है फ्रेशिंग लगता है पहनने के बाद अंडर 700 है ये वाला और ये बहुत प्रिटी है मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हो नेक्स्ट कुर्ता सेट अगेन वन ऑफ फेवरेट जो होता बहुत ही प्यारा कुछ इस तरीके से आपको हंड्रेड परसेंट कॉटन फेब्रिक में मिल जाएगा और इसका फेब्रिक आई टेल यू बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये आपको सिंगल शेड में मिलेगा एंड इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा एंड ग्रेसफुल है गर्मियों के हिसाब से एकदम परफेक्ट आपको ये वी नेक में मिलेगा यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वाला पैचवर्क जिसमें कुछ इस तरीके का प्रिंट है रेस्ट ये ये वाला जो आप फ्लोरल प्रिंट देख रहे हो ये पूरा फैब्रिक प्रिंट है एंड एंटायरली कुर्ते पे यही रहने वाला है इसका लुक कुछ ऐसे है फ्रंट में आपको ये पूरा इसी तरीके से प्रिंटिंग पैटर्न में मिलेगा इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी है एंड ये बहुत ज्यादा फाइन एंड यू नो स्मूथ फैब्रिक है गर्मियों के हिसाब से नीचे तक जो है आपको इसी फैब्रिक प्रिंट में मिल जाता है एंड नीचे जो है सबसे लास्ट में इसके फ्रंट पोर्शन पे ये वाला पैच दे रखा है जैसे कि इसकी स्लीव में और नेक पे था सो ओवरऑल इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड बैक साइड पे जो है ये कुर्ता आपको सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिलता है बहुत ज्यादा ग्रेसफुल एंड फाइन है Now, इस, इसके साथ जो इन्होंने हमको दिया है bottom wear, वो भी हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक का ही रहेगा एंड ये जो है फुली इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसे इसका आसन बहुत अच्छा खासा है एंड इसमें आपको ना ये वाला प्रिंट मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा प्रिंट है इसमें एंड ये जो है सेमी प्लाजो स्टाइल में है तो ये भी बहुत कंफर्टेबल रहता है टायन को देखना बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ये इसको आप यू नो एज अ डेली वेयर आसपास जाने के लिए या फिर यू नो एज ऑफिस वेयर भी कैरी कर सकते हो ऑफिस के लिए इनफैक्ट ये वाले जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड रिच लगते हैं इसके साथ दुपट्टा हमको मिलेगा हंड्रेड परसेंट कॉटन का जिसका लेंथ और विथ कम्प्लीट है विथ आप देख सकते हो इसका कुछ इतना रहेगा जो कि हमको स्टिचिंग में मिला हुआ है इसका कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा एंड इसका प्रिंट जो है वो कुछ ऐसे है फेब्रिक प्रिंट है इसके दुपट्टा में भी ये वाला प्रिंट मिल जाएगा कुर्ते के जैसा इसके दोनों साइड बॉर्डर्स में एंड बीच में है ये वाला पूरा प्रिंट जैसे कि इसके वेयर में था ये देखो कुछ ऐसे तो ये भी काफी ज्यादा ग्रेसफुल लगता है बहुत प्यारा है कंप्लीट कुर्ता सेट दिस इज अंडर सेवन फिफ्टी रुपीज स्टील डील है यार मतलब मजा आ गया इसके फैब्रिक को देख के एंड प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल तो आप इसको भी जरूर no, ट्राइस नेक्स्ट है एक कुर्ता पैंट का सेट विच इज आई थिंक अंडर फोर फिफ्टी रुपीज फोर फिफ्टी या फोर सिक्सटी कुछ का है ये एंड इसका ना मैंने बॉटल ग्रीन कलर आप लोगों के साथ शेयर किया था तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसका ये वाला ब्लू शेड भी शेयर करने के लिए सो so अगेन ये भी बहुत प्रटी है आई I मीन mean, मुझे तो वो ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा लगा था एंड इसका ब्लू भी काफी अच्छा है इसका जो फैब्रिक है ये ना कॉटन रेन मिक्स टाइप्स का है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कुछ ऐसा वी नेक है इसमें एंड इधर आपको ये मिल जाएगा पूरा यू नो लेस डिटेलिंग गोल्डन कलर का कुछ ऐसे एंड इसमें आपको पूरे ही कुर्ते में ना ये फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा विच इज डिजिटल प्रिंट पूरा फैब्रिक प्रिंट है और आप देख सकते हो कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है जस्ट लुक एट दिस बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये एंड इसकी लेंथ काफी अच्छी है। अगर आपकी फाइव एट भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड इसकी स्लीव्स जो है आपको मिलेंगी थ्री फोर्थ ये देखो कुछ ऐसे ही है सिंपल प्लेन प्रिंटेड सीज है एंड बैक साइड पे भी आपको ये सेम ऐसे ही प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा इसका फैब्रिक गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यू नो कॉटन एंड रियॉन का जो ब्लेंड है काइंड ऑफ यू नो लीवा वाला फैब्रिक कुछ वैसा लग रहा है एंड इसका जो बॉटम वेयर है ये फुली इलास्टिकेटेड है इसके वन साइड आपको पॉकेट दी हुई है इन्होंने आप कुछ भी कैरी कर सकते हो इसमें फोन वगैरह एंड अगर हम इसके फिट की बात करें सो दिस इज अ प्लाजो ये देखो कुछ ऐसा सेम फैब्रिक है सेम प्रिंट है आ, तो ये जो है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है अगर आप वेकेशन में जा रहे हो या फिर यू you नो know, आसपास कोई छोटा मोटा ओकेजन वगैरह है तो उसमें ये बहुत ज्यादा यू नो डिफरेंट एंड प्यारा लगने वाला है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अंडर समवेयर अराउंड फोर कुछ का है सो आई थिंक दिस इज अल डील नेक्स्ट साइज आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा कंप्लीट कुर्ता सेट और ये जो है हमको मिल जाएगा कॉटन फैब्रिक में बहुत ही प्यारे से लाइट लेवेंडर शेड में हमको ये कुर्ता मिल जाएगा जिसका राउंड नेक है एंड इधर आपको ये क्रोशे की लेस डिटेलिंग मिलेगी बीच में ये बटन डिटेलिंग दे रखी है जो कि शो के लिए है एंड इसमें ना आपको ये वाला पूरा बर्ड पैटर्न दिखने को मिल जाता है ये देखिए पूरी बर्ड्स जो है इसमें कुछ इस तरीके की दीवी है और ये जो है पूरा फैब्रिक प्रिंट है आप इसको मशीन वॉश कर सकते हो घर पे तो इसका कुर्ते का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा फ्रंट में आई थिंक डेली वेयर के हिसाब से ऑफिस के लिए ये काफी अच्छा है स्लीव्स इसमें आपको थ्री फोर्थ दे रखी है आप देख सकते हो कुछ ये वाला बर्ड प्रिंट है इसमें पूरे ही कुर्ते के फैब्रिक में एंड एस की आपको कुरोशी की लेस डिटेलिंग दे रखी है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है ये इसका फिट काफी अच्छा आया है और नीचे जो है ना आपको ये इस कर्व कट में मिल जाएगा ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी डिटेलिंग है नीचे पूरा कर्व स्टाइल में है ये एंड बैक साइड पे भी जो है आपको ये कुर्ता सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिलेगा ये देखिए इसमें ना ऐसे ब्राउन और पर्पल से कलर की पूरी इन्होंने बर्ड्स बनाई हुई है जो कि बहुत डिफरेंट लग रही है मतलब तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हार्डली हमको दिखने को मिलता है कुछ ऐसा इसका कुर्ता हो जाएगा एंड इसका बॉटम वेयर भी हमको कॉटन फेब्रिक में मिलेगा विच इज फुली इलास्टिकेटेड ओ गिर गया ये देखो, कुछ ऐसा है ये भी काफी प्यारे से हमको लेवेंडर शेड में मिल जाएगा वन साइड पॉकेट है इसमें भी ये देखो कुछ इस तरीके से इसमें पॉकेट रहेगी एंड ये वाला इसमें हमको पूरा प्रिंट दिखने को मिलेगा एंड दिस इज एन अफगान सलवार ये भी बहुत कंफर्टेबल है आसन भी इसका काफी अच्छा और आप देख सकते हो इसकी विर्थ कुछ इतनी रहेगी नीचे से हमको ये यू नो प्लीट दी हुई है और ये पूरा प्लीटेड पैटर्न है सो so ये भी बहुत कंफर्टेबल रहता है डेली वेयर के हिसाब से तो जेनुअनली ये बहुत अच्छा है तो ये इसका बॉटम वेयर हो गया एंड ये है इसका दुपट्टा जो कि आपको मल कॉटन फैब्रिक में मिल जाता है एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखो ये जो है फुल लेंथ और विर्थ में आता है इसकी विर्थ कुछ इतनी है ना इसकी विर्थ में आपको ये वाला पूरा क्रोशे का जो है लेस डिटेलिंग मिल जाएगा एंड प्रिंट जो है इसमें कुछ ऐसा है जैसे यू ना इसके कुर्ता में था सेम वैसा ही आपको इधर मिल जाएगा इसके बॉटम वेयर वाला प्रिंट एंड बीच में पूरा बर्ड्स वाला प्रिंट मिल जाता है जैसे कि इसके र्ते पे था तो ये हो जाता है इसका दुपट्टा अगेन सच अ नाइस कंफर्टेबल ब्रीदेबल फैब्रिक आप इसको जरूर ट्राई करके देख सकते हो नेक्स्ट कुर्ता सेट गाइस इस समान वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है कुछ इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा और ये ना हमको तो, टो, टोटल टू कलर्स में मिल जाएगा एक इसमें पिंक शेड है और लाइन ग्रीन कलर तो मैंने इसमें कुछ ये वाला ग्रीन शेड लिया है जो की अगेन काफी प्रिटी लग रहा है रेन फेब्रिक में है ये एंड इसमें आपको ना ये वाला नेक मिल जाता है हल्की सी स्लिट है और ये जो पूरा वर्क देख रहे हो ना इसके योग पार्ट पे ये पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये इसके नेक लाइन से लेकर के एंड नीचे तक इधर तक जो ये पूरा वर्क है ये पूरा वाइट कलर का थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है एंड एंड ये ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है है तो ये एकदम नीट क्लीन वर्क जस्ट लुक एट द शेड काफी ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है ये एंड की अगर हम बात करें तो इसमें हमको थ्री फोर स्लीव मिल जाएंगी इस प्रिंटिंग पैटर्न पे पूरा फ्लोरल पैटर्न दिया हुआ है इसमें जो कि फैब्रिक प्रिंट है तो आप इसको आराम से घर पे हैंड वॉश कर सकते हो एंड ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है इसका फिट आप देख सकते हो ये देखो कुछ इस तरीके से है

इसका लुक कुछ ऐसे है स्लीव्स इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी एंड स्लीव्स में आपको ना फोल्डेबल पैटर्न मिल जाता है कुछ ऐसा वुडन बटन की डिटेलिंग के साथ दिस इज अ वेरी स्मार्ट कुर्ता इसको आप अपने डेनिम्स के के साथ साथ या फिर ट्राउजर्स वेयर करना बहुत अच्छा लगता है इसकी लेंथ जो है आपके अठाईस तक आ जाती है सो ये अच्छे से कवर अप भी कर लेता है एंड काफी ग्रेसफुल लगता है फिट इसकी परफेक्ट आई है करेंटली इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है सो अगर आपको इसका ये वाला शेड पसंद आ रहा है ना इसको जरूर ट्राई करके देखो अगर आपके पास यू नो इन केस वाइट कलर का डेनिम है या

ना कुछ इस तरीके के यू नो जॉर्जेट फैब्रिक है इसका विच इज वेरी प्रीमियम बहुत सॉफ्ट है कुछ ऐसा मिल जाएगा इसमें आपको ये पूरा वीनेक मिलता है पैटर्न है है इसका और ये स्टिच तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो ये देखो इधर से पूरा स्टिच हो रखा है तो यहाँ से ना नेक लाइन नहीं दिखता है कंफर्टेबल रहता है कुछ ऐसे है फ्लटर सीज मिल जाएंगी इसमें हमको कुछ ऐसी एंड दिस इज यू नो टायर्ड पैनल्ड गाउन यहाँ पे वेस्ट तक आपको ये एकदम परफेक्ट फिट रहेगा एंड इधर साइड पे हमको ये बड़े बड़े दो स्ट्रैप्स से रखे हैं इसको तो आप किधर को भी इसको जो हो टाइप कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुल लगता है इसमें पूरा ये वाला प्रिंट आपको दिखने को मिल जाएगा ये देखिए पूरा फैब्रिक प्रिंट है एंड एंटायरली ये ऐसे ही रहने वाला है इसकी लेंथ बहुत अच्छी है अगर आपकी हाइट फाइव एट फाइव नाइन तक भी है तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो फाइव टेन भी है ना तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो हील्स वगैरह के साथ ये देखो कुछ ऐसे है एंड देन सबसे नीचे इसमें कुछ इस तरीके का पैनल दे रखा है एंड ये गैदरिंग्स दे रखी है इसका फ्लेयर बहुत अच्छा खासा है एंड जस्ट लुक एट द प्रिंट मतलब बर्थडेज uh, वगैरह में वैकेशन में कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो उसमें ये बहुत कंफर्टेबल रहती है इनफैक्ट मैंने इसका दूसरा शेड भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है रेड एंड बेज कलर का उसका लिंक भी नीचे दे दूंगी एंड उसके अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो का लिंक भी दे दूंगी आप चेक कर सकते हो नीचे से आपको ये पूरा लाइनिंग दे रखा है अटैच्ड पूरा नीचे तक लाइनिंग है तो ये बिल्कुल भी सीसो नहीं है एंड द फैब्रिक इज रियली वेरी सॉफ्ट बैक साइड पे आपको यहाँ पे जिप क्लोजर दिया हुआ है so सो दैट आप इसको कंफर्टेबली कैरी करो मतलब वेयर कर लो बट ये विदाउट जिप यूज करे भी ऐसे ही आराम से जो हो आप वेयर कर सकते हो पीछे भी आपको ये पूरा सेम यही प्रिंटिंग पैटर्न मिल जाएगा वेरी ब्यूटिफुल्डर स्टैंडिंग पीस ट्राइ उनको देखना पसंद आता है तो ये आप जरूर ट्राई करते हैं no होगा एंड एमेजोन पे जो सी चल रही है उसको बिल्कुल मिस मत करना सारे ही अफोर्डेबल प्राइजेस है जल्दी से इनको चेकआउट करना एंड येस yes, मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी हॉल वीडियो लेकर के आऊंगी तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिये विल स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ट सिया